हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार में इस बार जो मैट्रिक व इंटर का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो भी विद्यार्थी फेल कर गए थे, सरकार ने उन्हें पास करने का निर्णय ले लिया है, आदेश जारी कर दिया है। अब वो सभी विद्यार्थी पास कर जाएंगे जो 2020 में मैट्रिक या इंटर का कोई भी स्टूडेंट है, वो जो फेल कर गए थे पास हो जाएंगे। तो कौन कौन से विद्यार्थी पास हो गए, उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरा। इस वीडियो को देखिए, एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा उन्हें कैसे पास किया जाएगा और क्या करना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन करना, फॉर्म जमा करना पड़ेगा, कौन से विद्यार्थी पास हो गए, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मैं आप लोगों को अब बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार सरकार ने जो इस बार मैट्रिक या इंटर के वैसे विद्यार्थी जो एक या दो विषय में फेल कर गए थे, उन्हें पास करने का आदेश जारी कर दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। आनंद किशोर ने, जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष, उसने अभी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अब वैसे विद्यार्थी जो अभी फेल कर गए थे 2020 में, यानी इस साल एक विषय या दो विषय में, चाहे वो इंटर का विद्यार्थी हो या मैट्रिक का विद्यार्थी, उन्हें पास करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया। अब वो सभी विद्यार्थी पास कर जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना महामारी के चलते से क्या गया, उनका साल ईयर एक ईयर बर्बाद ना हो जाए, साल बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो बिहार के वैसे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो इस बार फेल कर गए थे दो विषय में या एक विषय में, उनको बिहार सरकार ने पास करने का आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया, और वो सभी पास होंगे। इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कर दें जो फेल कर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इस वीडियो को। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि उनको क्या करना पड़ेगा, तो अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि उन्हें ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन करना पड़ेगा, कुछ आवेदन करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जानकारी अभी नहीं दिया गया। अगर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, उन्हें कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा तो, या फिर ऑफलाइन कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उन्हें अभी कुछ भी नहीं करना है, जल्दी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, वो लोग अपने रिजल्ट देख सकते हैं बिहार बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे। मैं आप लोगों को लिंक भी वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी था कि सभी को पास कर दिया गया है मैट्रिक या इंटर के वैसे विद्यार्थियों को। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन कर प्रेस कर लें, और हमें बताएं ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके। धन्यवाद।